शिव यादव दलित के माथी अत्याचार कर रहे कह के तेहन मतलब जैसे देवरायगढ़ पत्रिका में निकाल दल के ये सब बेगर मतलब जैसे यहाँ के बात छे झूठा मुद्दा बना के जैसे राजनीतिक इशू मतलब जैसे बना देने प्रति हमर भाई सब अखनको पलेदारी करे हम सब 20 साल से काम नहीं कर आज तक कोनो भी मजदूर मतलब जैसे अपने के समाज में कोनो हुजूर नहीं राखल के कोनो थाना में निवेदन नहीं है कोनो प्रमाण नहीं है और वो दुए आदमी नहीं खटे अमे 100-150 आदमी जाकर काम करे प्रत्येक साल और घर पर एडवांस रुपया ले छे घर में जरा जे जरूरत पड़े छे 1,80,000, 50,000, 60,000 का रुपया ले छे श्राद्ध विवाह ककरो घर टूटे छे तो घर बनाबे छे के पैसा के दे छे वो पैसा हम शिवजी यादव ठेकेदार काम वापस दे छे एडवांस दे छे हजू है ने तही में अपने के मतलब जे है से एटा महेश सदाय 34,000 रुपया ल के एटा टारवासी और वो काम करे ला गेले 4 दिन 5 दिन रह के भाग गेले काम 1 रुपया के नहीं कल के ओकरे से रुपया मतलब मांग के लिए असूल करे कते पैसा देने छले 34,000 रुपया देने अकरा देने छलिए हां देने छलिए महेश जी के और पैसा फिरता करे के बात में महेश आना का निकल के ओकरा और ही मतलब जैसे लो लिए थाना में और थानेदार मतलब जैसे नहीं रखे कारण तुरंत 5 मिनट में ओकर भाई उमेश सदा आब के छोड़ा के मतलब ओकरा जैसे अपन जैसे लगे और उमेश जैसे पंछी में बारी लेल के जे हम अहाँ के पैसा देवे या सदा देवे वही क्रम में अपने के जे है से इटा फूलो देवी सदा कते दिन के घटना कते दिन के चू ये अपने के मतलब जे है से पैसा तो अहाँ के 76 साल में लेल के और 76 साल में पैसा लगे अपने के मिला आशीन कते कते जाकर 5 दिन रह को यह सब भाग गए और अखन मतलब जे है वो अपने 1 साल से घर छोड़ने चले और 1 साल के बाद वो घर ये 30 गते मतलब अपने के जे है श्रावण में और हमरा मालूम मिले तो वह घर मतलब हम जैसे गए छे से पैसा मांगलिए वो आना कानी मतलब जैसे कल के और पैसा पचाबे के बहाना में उल्टे मतलब जैसे दलित के नेता मनोज पासवान कौली पासवान और के मतलब संपर्क में आबिक और ये है से शिवजी यादव दलित शोषण करे कह के दलित पर अत्याचार करे कह के पत्रा और जैसे पत्रकार बंधु सब के मंगा कर और मीडिया में डाल कर हाईलाइट मतलब कर देने छे लेकिन अर्थात ये बात नहीं छे हम सब हर दुख में हर दर्द में मतलब जे है से दलित के गरीब के गुरबहा के हम सब मदद करे छे और आई कम से कम 250 आदमी के रोजगार भी देने छे और भारत के हरियाणा राज्य में राइस मिल में जाकर काम करे छे ओकरा सब के घर में कखन कोनो जरूरी होय छे तो ओकर मतलब हम सब पूर्ति करे छे हम सब दे छे और मतलब जे है से अपने के अखन जे है ये मीडिया में मतलब द कर और प्रशासन में जाकर मतलब मुद्दा जे है से दर्ता करल गया ये पूरे प्रशासन में कथी कह के मुर्दा दर्ता करें एटा महेश सदा अपने के कूटपीट के बात लगौने छे और मतलब जैसे एटा फूलो देवी सदा ओकर बेटा राम भजन सदा अपने के जे है से हमरा साथ मतलब ये 2076 साल में हमरा साथ गैले ने छे वो दोसर ठेकेदार के पैसा पर का मतलब जे है से खेने छले फुलवरिया के ठेकेदार जीवस यादव के लेकिन वो आबि को जे सब भाग के चोरा के आबि के अइ जमन ओकर गांव के आदमी टाटार के आदमी कमाइले जब जात रहे ओकरे पछाड़ी वो लाग गेले और ओकरे पछाड़ी मतलब जे है से अपने के जे है से गेले और वो मतलब जे है से गेला के बाद ओइ जमन एकटा सिरहा वासी दिलीप सदाई के मोबाइल चोरी क के 30,000 के मोबाइल चोरी क के वो जे है से अहाँ के मतलब राइते में फरार भ गेले और दिलीप सदाई वो अपने के 3 दिन 4 दिन तक खाना नहीं खेल के बेचारा बहुत कने ओकरा बहुत ढाढ़स बनौलिए तो फिर ओकरा 7-8 हज़ार भारू के मोबाइल कीन दिलिए जब चोरा कर लग भाग गया तो की करब वो आदमी आब अखन तक मान लिया अपने के कोनो कर कुटुम नातेदार रिश्तेदार में याद छे कि वो हमरा सब के नहीं जानकारी करा ले ओकर घर के आदमी और वो जे है से अहाँ के बाहर छे और ओकर बारे में बेपत्ता के बात मतलब जे है से कहे छे पैदल के हम गरीब मजदूर आदमी के कमाए लगे ओकरा बेपत्ता किया करबे हम ओकरा किया मारबे पीटबे हम ओकरा किया मतलब जे है से खून करबे और हम ही नहीं छे अइमे अपने के 100-150 आदमी काम करे वो 2 आदमी एक कला से नहीं है 98 आदमी ये सब लेबर मजदूर मतलब अपने के जमन विद्वान छे ये काम करे वाला सेलर में राइस मिल में जाए वाला सब छे इनका सबसे अपने पूछ लियो जे वास्तव में ठेकेदार ककरो गलत मतलब व्यवहार करे है ककरो मारे है ककरो खाइला नहीं दे है कि ककरो कमेला पैसा नहीं दे है कि ककरो यातना करे है कि दलित के शोषण करे है कि वो बात इनके सबसे ल लिया इनमें महिला पुरुष खास करके अखन का घटना जे अहाँ के भेल छे वो घटना इस संबंध में हम प्रकाश पारे ला अहाँ के कहे छे जे घटना अहाँ के अखन प्रहरी में गेल छे जी और मीडिया में जे आयल छे जी इस सवाल में की छे और की जानकारी दे ला चाहे छे पत्रकार सब
अब अपने के हम तो ये सुनते मतलब विचलित भ गेली। हमर तो मतलब जैसे अहाँ के एक हम बल आदमी प्रतिष्ठित लोग, हम एक मतलब जैसे ठेकेदारी पेशा भी करे छी, एक राजनीतिक पेशा में छी, और मान लें हम जैसे अहाँ के सामाजिक लोग छी, हम समाज के काम करे वाला छी और विश्वखिल गायत्री परिवार के सदस्य हम सेहो छी। हम सब अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में लड़े वाला व्यक्ति शिवजी यादव है। अन्याय अत्याचार ककरो पर करे वाला नहीं है। ये बात समाज में अपने के मतलब ककरो से छपित नहीं है। आई यदि गलत व्यक्ति हम रहती है तो आई हमारा साथ में इतने मजदूर काम नहीं करती है, आई इतने जनता हमारा समर्थन नहीं करते। गाँव पालिका और ही गाँव पालिका के यहाँ के मतलब जैसे हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 6 मत से मात्र हारल छे, जनता के द्वारा एक जीतल हम मतलब जैसे अहाँ के उम्मीदवार छे। और आबे वाला समय में अच्छा है, जनता के मतलब आवाज टोल टोल सा रहल है कि आबे वाला समय में आप हम सब शिवजी नेता के जीतेबे। ते द्वारा हमारा विपक्ष सबके ये बात जैसे खटका मारल के और हमारा विपक्ष सबके बात नहीं निकल, ते द्वारा हमार राजनीतिक छवि बिगाड़े के और हमार आचरण और हमार जो व्यवहार है तकर मतलब जैसे बिगाड़े के लिए सब जो है से ये क्षति पहुँचा रहा है। ये 3-4 गो व्यक्ति जैसे अहाँ के प्रमुख रोल पात्र जो है वो कबली पासवान है अपने के कमलपुर निवासी वार्ड नंबर मतलब जैसे 4 के, और अहाँ के मतलब जो है से और ये और ही गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 के लवकोली निवासी मनोज कुमार पासवान, वो मतलब पूरे झोड़ा उठौने हैं। और वार्ड नंबर 5 और ही के भोला प्रसाद यादव अहाँ के मतलब पूरे जे से अ पछाड़ी बेना बांधने हैं। और अ के गहराई में अब हम सू सब के लिए तेमें बड़का बड़का लोग के भी हाथ है, बड़का बड़का आदमी राजनीतिक व्यक्ति सब हमर राजनीतिक छवि करे के लिए और हमर अर्थतंत्र के नुकसान पहुँचाबे के लिए और पुलिस प्रशासन में एक इमेज खराब हो से पहुँचाबे के लिए, अ देश में बदनाम हो और गाँव पालिका में बदनाम हो जो जनता एकरा वोट नहीं दे, तह के चलते अत इशू बनौने है। कोनो खासे मुद्दा नहीं है। और राम भजन के मतलब जैसे अपने के एकटा बेपत्ता पारे के मुद्दा ओकरा माय फूलो देवी से कबली पासवान मनोज पासवान उकसा के मतलब जैसे करौने है जे वास्तव में अहाँ के 2074 साल में वो फूलो देवी सदा राम भजन सदा के माय हमरा से मतलब 3,45,000 रुपया कर्जा विभिन्न काम के लिए लेने छले, जैमे अहाँ के ओकर बेटा एटा है तकर विदेश पठबे ला, ज्वाई के विदेश पठावे ला और अहाँ के राम भजन के विवाह खर्च करे के लिए और घर के अन्य खर्चा करे के लिए में वो जो है अपने के हमरा से 3,45,000 रुपया कर्जा ले के, और वो रुपया हम ओकरा से पटक पटक मांगलिए। हम 4 भाई के बैठा के भी बात के लिए तो 4 भाई में हमारा विनोद सदा एक मतलब जिम्मेवारी लेल के जे हम ओकरा से बुझ के अपने के हम टाइम देव, लेकिन वो चीज नहीं दिल के हम यो कहलिए कि अपने के पास में उतने पैसा एक बेर में नहीं हाथ, अहाँ के बेटा विदेश से चल आयल तो जतबे देवा सकबे ततबे 4 आदमी के बीच में द के अहाँ अपन कागज फटा के लिए हम तैयार छी वही के लिए। अहाँ एकमुश्त में समग्र में कहा जाए तो पैसा विवाद अहाँ के भाग जी मांग लिए वही पैसा जी जी बना के अपने वो पैसा मतलब जो है से अहाँ के हमार पचाबे के वो पैसा के मतलब जैसे अहाँ के मतलब रकम बिगाड़े के बात में ये कल के हमू सब तो कर्जा लाबे छे लोग से, हमरा पास में ते पैसा कतौ से होते, हमू समाज में धनी व्यक्ति से मतलब जैसे अपने के हम पैसा लाबे छे ओकरा कपाली कह के आ तब हम मजदूर सब के मतलब जैसे पैसा कामदार लोग के हम बांटे छे, कोई 50 ले है, कोई 1 लाख ले है, कोई 60 ले है, कोई विदेश जाके वापस ले है, कोई घर बनाबे है तले है, ककरो हारी बीमारी में ले है, ककरो बेटा बियाह बेटी बियाह में ले है, ककरो माय बाप मरे है तले है, ऋण लग अपने हुनका सबके सहयोग करे जी जे भी है पूरे हम जन्ना के मतलब जे सहयोग है ते प्रकार हम ओकरा सबके सहयोग। धन्यवाद। ठीक है अहाँ के आप हम अपनी